क्या हुआ अक्षत, तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रहे? कहती मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, लेकिन मैंने वो जानबूझ के भी अनसुना कर दिया। लेकिन क्यों अक्षत? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती और तुम मुझे ऐसी हालत में नहीं देख पाओगी और तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी ताकि तुम मुझे बचा सको, लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। नहीं थी, अगर बात मेरे अक्षत को बचाने की है तो कोई खतरा कोई प्रॉब्लम मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। ये थी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ बहुत खतरा है, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो वो आ जाएगा। वो कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम अक्षत, बोलो। यहाँ का पहरेदार जो किसी को यहां से बाहर नहीं जाने देता। नहीं थी, पहरेदार? हाँ। ये थी, प्लीज मुझे कोई इशारा करो जिससे मुझे ये पता चल सके कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मिति का कोई जवाब ही नहीं है। आई होप वो ठीक हो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि अक्षत ने मेरे झूठ को सच माना है कि नहीं। कोई सच में नियति का परिवार खतरे में तो नहीं? कोई सच में अक्षत? इस रोशनी का क्या मतलब? हे भगवान, यदि का शरीर तो संकेत दे रहा है, उसकी आत्मा कब्जे में हो सकती है, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरी मदद कीजिए, प्लीज भगवान मेरी मदद कीजिए। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, बोलो जी। मैं बेहोश पड़ी थी तो तुम दोनों ने आपस में ही फैसला कर लिया, मेरे होश में आने का इंतजार तक नहीं किया। क्या हो रही है, कहां भेज दिया है मेरी बेटी को, क्यों क्यों इस तरह से बैठी है ये? क्या कह रहे थे तुम कि नियति की आत्मा भी कैद हो सकती है? जवाब दो, अब तो बताओ कि ये चक्कर क्या है, ऐसे क्यों बैठी है नियति, बोलो कुछ। नियति, नियति मेरी बात सुनो। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए उसे, वरना वो आत्माओं के संसार में फंस जाएगी। क्या आत्माओं का संसार? मैं अकेले नहीं जाऊंगी अक्षत। ओ, अब समझ में आया, इस रिंग से ये भी काम हो सकता है। ये थी, वो आ गया। नियति संभल के। नियति संभल के। यदि मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से चली जाओ, यदि मार देगा तुम यहां से चली जाओ।
यदि मार देगा तुम ऐसे चली जाओ। यदि यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने, मुझसे बच नहीं सकती तुम, यहां मेरी कैद में रहोगे। ये तुमने क्या किया, इतनी खतरनाक जगह भेज दिया मेरी बच्ची को, एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इसे कुछ हो गया ये वहां से वापस नहीं आई तो मेरा और इसके परिवार का क्या होगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था मिसेस खन्ना, अक्षत के शरीर में जो बुरी आत्मा है उसे बाहर निकालने से पहले यह बहुत जरूरी है कि उसकी असली आत्मा हमें ढूंढ ले। अगर ऐसा नहीं तो उसकी आत्मा भी इसी तरह से भटकती रहेगी और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने नियति को आत्माओं के संसार में भेजा। अगर भेज दिया है तो वहां से वापस लाने का रास्ता भी तो ढूंढना होगा ना, हम इसे वहां रहने तो नहीं दे सकते, इसलिए दोबारा ये मत कहना कि नियति वहां से वापस नहीं आएगी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ और एक माँ का दिल दुखा तो तुम कभी चैन से नहीं रह सकोगे। जी मैं पूरी कोशिश कर, आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे मुझे थोड़ी देर शांति से सोचने दीजिए कि मैं आगे क्या करूं, मैं पहले उन दोनों को लेकर बहुत परेशान। हाँ लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि अक्षत ने कहा है कि अगर उसे कंकाल नहीं मिला तो वो सबको मार देगा। जी इसका मतलब मेरा पूरा परिवार खतरे में है, तो अक्षत को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। जी लेकिन मैं एक ही वक्त पे दो जगह पे कैसे हो सकता, इस समय मेरा सारा ध्यान नियति की तरफ, कैसे उसकी आत्मा को वापस लेकर। ठीक है, अगर अक्षत को रोकना है तो मैं रोकूंगी, नियति की मां अभी जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगी अपने परिवार को। लेकिन तुम मेरी बच्ची को वापस लेकर आना। कुछ नहीं होना चाहिए नियति को, याद रखना। नियति की आत्मा को कैसे वापस लेकर, क्या करूं भगवान, शायद कोई हल इन किताबों में मिल जाए। सर झुकाओ मेरे सामने। ओ नो, इसका मतलब आत्माओं के संसार में नियति पे कोई अटैक कर रहा है। उससे बच नहीं सकता कोई, नियति बहुत खतरनाक है, तू यहां से चली जा, मैं अपने को फ्री करा के जल्दी आऊंगा। नियति तू चली जा यहां से, उससे बच नहीं सकती तुम। हे भगवान, मैं नियति की कैसे मदद करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है नियति पर, कोई तरीका तो होगा उसे ढूंढने का, जरूर होगा। नियति